पब्तियों ने जो सलूक किया था बनी इसराइल के साथ वो बहुत बुरा सलूक था बेटे कत्ल किए और बेटियों को जिंदा छोड़ा ये बहुत बड़ी ज्यादती थी बेटों को कत्ल कर देना और बेटियों को जिंदा छोड़ना इससे क्या अजियत जन्म लेती है और क्या मुस्तबिल के दर्दनाक और करीनाक मंजर जहूर पजीर होते हैं कोई भी आकिल इससे बेखबर नहीं है किसी कौम के अंदर मर्द ना हो और औरतें ही हो तो फिर किस जिल्लत से वो कौम गुजरती है और फिर वो कौम पैगंबरों की औलाद थी मलूक की बादशाहों की औलाद थी और अल्लाह ने इनके अंदर हुस्न और जमाल और ख़ूबसूरती भी रखी थी तो ये कितना दर्दनाक मंजर था और ये बात मैं आपको बताऊं कि फ़िरौन ने बच्चे कत्ल किए थे आज भी ऐसा होता है लेकिन आज उस कत्ल की वारदात को तब्दील कर दिया गया अकबर अलाबादी ने कहा था यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी हमारे जहीन तरीन लोग उठा लिए जाते हैं और उनको स्कॉलरशिप के नाम पे और मुख्तलिफ नामों से मगरब उचक के ले जाता है और हमारे पास ये बसें तोड़ने वाले रह जाते हैं ये जो मुल्क के अंदर हमारे हो रहा है जब से हमने होश संभाली हमने तो यही कॉम देखी है जो अपनी अमलाक जला रही है हमने तो यही कौम देखी है जो गाली गलोच के बाजार को गर्म किए हुए है जो हया बागता है हमने तो यही कौम देखी है जो अख्लाक का जिसम का दिवालिया हो चुका है और हमारी किस्मत में ये कुछ है सियासत में देख लीजिए मजहब में देख लीजिए सरमायादारी में देख लीजिए हुकूमत में देख लीजिए अपोजिशन में देख लीजिए हमें तो यही दिखाई देता है आज मुल्क के अंदर जो बेचैनी है इस तरह है अनारकी है जत्थे आग लगा रहे हैं फौज के खिलाफ नारे हैं आपस में गुथम गुथम है ये जो कुछ हो रहा है तो कुरान मजीद की एक आयत मुझे बार बार याद आती है मिन कुम रशीद तुम में कोई भी समझदार आदमी नहीं है कोई एक शख्स भी संजीदा और मतीन नहीं है कोई एक भी रजुल रशीद नहीं है आज ऊपर से लेकर नीचे तक देख लें ऐवान की कार्रवाई हम देखते हैं तो क्या वहां होता होता है कोई दानश कदा नजर आता है कि वहां कोई अकलो भीनश की बात हो रही हो मुल्क में आग लगी हुई है कोई बैठ के सोचने के लिए तैयार नहीं है कि कोई हल निकाला जाए अनार की फैली हुई है बेचैनी है इस तरब है सरकारी अमलाक से लेकर के निजी अमलाक कोई भी महफूज नहीं है तशदत है इफ्तराक है गाली गलोच है जुबाने हैं कि क्या कहें अलही साजुल रशीद तुम में कोई भी समझदार आदमी नहीं है तो वो बच्चों का कत्ल करता था और यहाँ बच्चे उच्च के ले लिए जाते हैं इतनी सलाहियतें किस काम आई? आई तो औरों के काम आई और फिरौन आज तक बदनाम है कि वो कातिल है बच्चों का अकबर आलाबादी ने कहा कि अफसोस के फिराउन को कॉलेज की ना सूझी वो यूं करता तो बदनाम भी ना होता और दाद भी पाता और जो मकसद था वो भी उसका पूरा होता अल्लाह अकबर ये कहानी दर्दनाक है लेकिन मजमून आगे बढ़ाना है तो इनकी बेटियों को जिंदा छोड़ दिया जाता और बेटों को कत्ल कर दिया जाता जिंदा छोड़ना भी उनकी तजलील के लिए कल जवान होंगी तो उनकी तजलील करेंगे तो ये जो करते थे तो कितनी तजलील थी और जिसने यूं तजलील की हो किसी की जब कोई उसको अपनी आंखों के सामने डूबता देखे तो फिर कितनी तस्किन होती है तुम्हारे पास असबाब कोई नहीं थे सिर्फ एक मूसा थे जो निकाल के ले गए अल्लाह अकबर रहनुमा मूसा जैसा हो तो रद्दी कौम को भी उठा के ले जाता है और कौम कितनी भी अच्छी हो उसको रहनुमा ना मिले उसको आदि ना मिले तो कौम बर्बाद होकर रह जाती है टैलेंट जाया हो जाता है अल्लाह ताला लोगों को सजा के तौर पे यह भी सजा देता है एक सज़ा है अल्लाह की कि उनके अंदर फिर जो है वो सायब राय लोग पैदा नहीं होते कौमों को जब जवाल पजीर किया जाता है उसमें सायब राय लोग पैदा नहीं होते जो कौमों की क़्यादत कर सकें और कौमें अंधेरों में जुलमतों में बेयकनी में तजब्जब में इस तेराब में भटकने के लिए छोड़ दी जाती हैं और ऐसी कौमें कौमें नहीं होती हजूम होती हैं और ये आपस में टकरे मार मार के मर जाते हैं और इनका कोई मकसूद नहीं होता और वो कीमती खून जो है वो कहाँ बहता है जहाँ नहीं बहना चाहिए